नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में बड़ी तकरार। बीजेपी ने कहा शिवसेना के साथ ही बनाएंगे अगली सरकार। आदित्य ठाकरे को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने पर अड़ी शिवसेना, शिवसेना ने बीजेपी को दी चेतावनी। बिहार में अधूरा है प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, किसान मानधन योजना में सिर्फ 26% लोग ही शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात जवान ने खुद को मारी गोली, सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे यूरोपियन यूनियन के नेता, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। यूरोपीय सांसदों ने कश्मीर जाने की इजाजत पर भड़के बीजेपी सांसद, बताया राष्ट्रीय नीति से समझौता। गुजरात में 1500 लोगों ने अपनाया बौद्ध धर्म, लोगों का आरोप, कहा हिंदू के तौर पर नहीं मिला समानता का अधिकार। सऊदी अरब के रियाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी के क्राउन प्रिंस से कई मुद्दों पर होगी बात। आर्थिक मंदी में निवेश की बड़ी चुनौती, विश्व बैंक ने भारत में कारोबार करना बताया आसान। फ्लाइट में रोमांस करते हुए कपल को एयर होस्टेस ने रंगे हाथ पकड़ा, शराब के नशे में धुत थे कपल। बगदादी को अंग्रेजी के एक मशहूर अखबार ने बताया धार्मिक विद्वान, सोशल मीडिया पर जमकर हुई फजीहत। कुत्ते की मौत, मारा गया बगदादी, खुद को धमाके से उड़ाया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुनाई ISIS चीफ के खात्मे की कहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले पूर्व पाकिस्तानी PM को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में हुए भर्ती नवाज शरीफ। भारतीय रेलवे ने रद्द की 200 से ज़्यादा ट्रेनें, भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। साध्वी को आश्रम से अगवा कर किया गैंगरेप, 2 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता, बिहार के शेखपुरा की है घटना। अंधविश्वास में चाचा चाची ने संतान पाने की चाहत में सगे भाई के बेटे की दी बलि, भागलपुर जिले के पीरपैती की है घटना। काली पूजा की रात ट्रिपल मर्डर से थर्राया बेगूसराय जिला, पटाखों के शोर में दब गई गोलियों की आवाज़। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने किया तलब, दाऊद के नज़दीकी इकबाल मिर्ची से कनेक्शन पर होगी पूछताछ। अभिनेता शाहरुख खान ने तिलक लगाकर परिवार के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। मुकेश अंबानी की दिवाली पार्टी में लगा सितारों का मेला, क्रिकेटरों के साथ कई बड़ी हस्तियों ने की शिरकत। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।